तो शीट नंबर 31 का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मेंस नीट बहुत बार ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में मिलेगा आपको आता हुआ। इसमें ये गिवन है कि अगर आपके पास एक कैपेसिटर है जो कि बैटरी वी के साथ कनेक्टेड है और इस बैटरी ने इसको चार्ज दे दिया क्यू, अब आपने क्या किया, आपने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भर दिया के डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो आपको अब ये बताना है डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद इन प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी और चार्ज कैसे चेंज होगी, ये क्वेश्चन है। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद प्रॉब्लम क्या है, कैपेसिटेंस के टाइम हो जाएगी, तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद बाकी टर्म भी कैसे चेंज होंगी ये आपको बताना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब इसके अंदर ना दो टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं फर्दर, वो क्या, क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा आपको कि जब आपने डाइलेक्ट्रिक को डाला उस टाइम क्या ये बैटरी कनेक्टेड थी या बैटरी से इसने क्यू चार्ज लिया फिर आपने बैटरी उठा के फेंक दी, अब आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, यानी कि बैटरी कनेक्टेड रहे तब इसके आंसर देने हैं या बैटरी डिसकनेक्टेड रहे तब आंसर देने हैं, दोनों में फर्क है, मैं दोनों करके दिखाता हूं। जैसे ये आपके पास एक कैपेसिटर है, बैटरी हम नहीं हटाएंगे तो लिखा हुआ है बैटरी इज ऑलवेज कनेक्टेड, क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा बैटरी ऑलवेज कनेक्टेड है, तो आपने इसमें बैटरी कनेक्ट करके रखनी, आपने डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के को डाल दिया, जब आपने डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के को डाला तो कैपेसिटेंस कितने टाइम हो गई, के टाइम होगी, पहला आंसर। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, वो इसलिए चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो पोटेंशियल इसका होगा वो इस प्लेट का होगा और जो इसका होगा वो इसका होगा, आप कुछ भी चेंज करते रहें इन प्लेट्स का पोटेंशियल बैटरी ने कंट्रोल करना है और बैटरी इसमें कनेक्टेड रहेगी तो वी की वैल्यू विल रिमेन सेम, वी चेंज नहीं होगा, तो जब तक बैटरी कनेक्टेड रहेगी वी की वैल्यू विल रिमेन सेम। नेक्स्ट है चार्ज, चार्ज क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, डायलैक्ट्रिक जो कैपेसिटेंस है वो कितने टाइम्स हो गई, के टाइम्स, और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज आया नहीं वी, तो चार्ज कितने टाइम्स हो गया, के टाइम्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, चार्ज भी के टाइम हो गया क्योंकि इसके अंदर सी के टाइम हो गया तो वी में कोई चेंज नहीं है तो चार्ज के टाइम। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी, डी वी बाई डी आर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी, क्योंकि प्लेट्स की जो डिस्टेंस है प्लेट्स का वो तो चेंज नहीं हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम, वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी ने देना है तो बैटरी चेंज नहीं हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा, जैसे पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, अब क्योंकि चार्ज के टाइम हो गया, कैपेसिटेंस के टाइम होगी, के स्क्वायर बाई के, तो एनर्जी कितने टाइम हो गई, के टाइम हो गई, तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये तो आंसर्स तब हैं जब बैटरी कनेक्टेड रही हर केस में। अब सपोज करो अगला केस है कि हमने बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज दे दिया, अब हमने क्या करना है, चार्ज दे दिया बैटरी को उठा के फेंक दिया, तो बैटरी ने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करवा दिया था वी, वो अभी भी वी रहेगा, जब बैटरी को उठा के फेंक दिया तो चार्ज हवा में तो उड़ेगा नहीं तो चार्ज विल रिमेन सेम, क्योंकि चार्ज देना किसने था, बैटरी ने, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब आपने डाला तो चार्ज में कोई फर्क नहीं होगा क्योंकि देने वाली बैटरी थी, बैटरी रही नहीं, तो बैटरी क्योंकि है नहीं कनेक्टेड तो क्यू विल रिमेन सेम, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस तो ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कितने टाइम हो जाएगी, के टाइम हो जाएगी। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस के टाइम हो गई तो पोटेंशियल भी क्या हो गया, 1 बाई के टाइम हो गया, उसमें वी सेम था इसमें वी 1 बाई के टाइम हो गया, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, चार्ज अपॉन कैपेसिटी, चार्ज तो चेंज हुआ नहीं, कैपेसिटी के टाइम हो गई, डिनोमिनेटर में के आ गया तो पोटेंशियल भी 1 बाई के टाइम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डी वी बाई डी आर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, क्योंकि डी तो चेंज हुआ नहीं, वी जो है 1 बाई के टाइम हो गया तो ई भी 1 बाई के टाइम हो गया, ठीक हो गया। और नेक्स्ट है एनर्जी, एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, अब क्यू तो चेंज हुआ नहीं, कैपेसिटेंस
के टाइम होगी, तो एनर्जी भी 1/k हो गई, उसमें के टाइम, इसमें 1/k टाइम। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक। तो आप फॉर्मूला रजिस्टर में एक पेज पूरा खाली छोड़ दो, इसको घर जाके सब नोट कर लेना, क्योंकि कंपटीशन और एनसीईआरटी में आप ये रेफर नहीं कर पाओगे, तो आपको याद आ जाएगा फटाफट बैटरी कनेक्टेड डिसकनेक्टेड में क्या क्या इसमें केसेस बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। तो फॉर्मूला बुकलेट में एक पूरा पेज छोड़ के इसकी पूरी जगह बनानी है आपने। ठीक, ऑनलाइन क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट केस है वो है, अगर सपोज आपके पास कुछ दो प्लेट्स गिवन है कैपेसिटर की और बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, तो हमने ऐसी डेरिवेशन भी की थी कि आपके पास कैपेसिटर है और बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी थिकनेस क्या है, टी। तो इसकी कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला हमने किया था, अपने फॉर्मूला बुकलेट में नोट भी किया हुआ है। वो अलग बात है कि हमने इसमें माइनस वो टी कॉमन निकाला था, 1 - 1/k आया था, राइट, क्लियर है यहाँ तक? अब क्वेश्चन है कि अगर ये कैपेसिटर है, ठीक, अगर ये फिर से अगर क्वेश्चन में गिवन है कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक गिवन है K1 जिसकी थिकनेस है T1, एक और गिवन है K2 जिसकी थिकनेस है T2, करते 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 KN जिसकी थिकनेस है TN, और ये डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, T। तो अब कैपेसिटी क्या होगी, इस रिजल्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो जहाँ D यूज़ होगा वहाँ तो D ही यूज़ होगा क्योंकि D में चेंज नहीं है, जहाँ T यूज़ हुआ था क्योंकि पहले एक ही स्लैब थी थिकनेस T, इसमें T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू TN, N नंबर ऑफ स्लैब्स डालती, और ये वाले पार्ट में क्या था T/k, तो इसमें T1 K1, T2 K2, T3 K3, TN KN। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो अपने फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लो, इस डायग्राम के साथ ये फॉर्मूला नोट करो कि अगर मान लो दो स्लैब्स आती हैं कल को, तीन स्लैब्स आती हैं, तो एटलीस्ट आप उस रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है। अब वो स्पेशल केस कह रहा है कि अगर मान लो मैंने डाइलेक्ट्रिक भर दिया K1, K2, K3 अप टू KN, कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी, तो यानी कि D इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू TN। तो आप यहाँ पर T की जगह ये बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपके पास ये स्पेशल केस से ये फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। पर चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, वही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ठीक है, सफिशेंट है। नेक्स्ट है इसके अंदर जो करने वाला वो है ये वाला केस। देखो इस केस में आपको क्या गिवन होगा, आपको ना दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर गिवन होंगी। तो ये दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, ये आपके पास पहला कैपेसिटर है, ये आपके पास दूसरा कैपेसिटर है। ये प्लेट्स नॉर्मली ऐसी होती हैं, इस डायग्राम में ये ऐसी हैं, ठीक है यहाँ तक। इसका एरिया ए है, मैंने क्या किया, इसको इसके आधे पोर्शन में 50% पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया और बाकी में हवाई है। तो आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है इसकी, क्या होगी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आधा बन गया डाइलेक्ट्रिक वाला, आधा एयर वाला ये। तो इसको करने का क्या स्टाइल है, आधा आधे का मतलब इसकी छत जो है A/2 एरिया होगी और इसकी A/2 डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट, इसमें भी D है और इसमें भी
डी है। तो आपने क्या करना है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे ये ए कैपेसिटर आधा कैपेसिटर है ऐसा, ये वाला, और ये वाला अलग कैपेसिटर है ऐसे, ठीक, ऑफ एरिया ए बाई टू एंड ए बाई टू, अलग अलग कर लिया। इसके बीच में क्या है, एयर, और इसके बीच में क्या है, डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो प्लेट है ये कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टर समझते हो, कोई कंडक्टर के ऊपर वी की वैल्यू हमेशा हर पॉइंट पर क्या रहती है, एग्जैक्टली सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है कंडक्टर ऑटोमेटिकली बाय नेचर, और ऐसे ही यहां पर v2 और v2। तो एक बात बताओ, जब इसको डिवाइड किया तो भी तो यही है, v1 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 v1, और यहां पर v2 v2, कहीं भी ले लो v2 v2, ऐसे ही होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कुछ ऐसे ज्वाइन कर दें इन्हें एक वायर के साथ, v1 v1 सेम, और ऐसे ज्वाइन कर दें जैसे ये देखो ऐसा, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये पोटेंशियल मान लो v2 मिल रहा है यहां से, और यहां से क्या मिल रहा है, v1 मिल रहा है, राइट, क्लियर है यहां तक। अब आप इमेजिन करो कि अगर ये सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में ये डायग्राम पता हूँ कैसा है, ऐसा बनेगा, ये पहला कैपेसिटर एयर वाला और ये दूसरा कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक वाला, ऐसे ऐसे, मतलब तो इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कोई फर्क नहीं। अच्छा, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में भी कोई फर्क नहीं, ये एयर है और ये डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसको घुमा दिया, तो बोलो ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल। ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल। ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस v1 माइनस v2 सेम है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन किस में होगा, इन पैरेलल। तो आज के बाद एक शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है, ये करना नहीं है आपने, कुछ नहीं करना, समझाने के लिए है। शॉर्टकट ये है कि अगर आपके पास ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है, इन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर को आपने डाइलेक्ट्रिक मटीरियल जब भरा, कैसे भरा, कि एरिया आधा आधा हो गया, a/2 a/2, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स रिमेन्स सेम। तो ऐसे केस में ये दो कैपेसिटर जो बनेंगे, इनमें से एक कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट a/2 डिवाइडेड बाय d, और दूसरे की कैपेसिटी क्या आएगी, k इंटू एप्सिलॉन नॉट a/2 डिवाइडेड बाय d। अब ये दो कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो नेट आंसर क्या आएगा, c1 + c2, सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट है इसमें, ठीक, ऐड करके आंसर आ जाएगा। मेन चीज ये है कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कैपेसिटर ऐसे फिल्ड हैं, जैसे ये एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर ये रहा, और ये दूसरा प्लेट ऑफ कैपेसिटर ये रहा, दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ए एंड ए, और इनके अंदर मटेरियल अब वर्टिकल फिल नहीं किया, हॉरिजॉन्टल किया हुआ है, जैसे ये K1 और ये K2। तो इसको आप ऐसे इमेजिन करेंगे कि ये आपका पहला कैपेसिटर है, ये देखो ये रहा, और ये एक लाइन है जो कॉमन है, ये लाइन वही फिर से मैंने ड्रॉ कर ली, और नीचे ये एक प्लेट है, ये देखो ऐसे ऐसे, तो इनमें स्पेस डाल दी मैंने, या वायर से कनेक्ट कर दिया मैंने, चलो एक ही बात है, सच दैट इसके अंदर हमने क्या किया, ये K1 कैपेसिटर है और ये K2, ये देखो इस डायग्राम में या इस डायग्राम में कोई फर्क थोड़ी ना, चेक करो क्या फर्क है, ये ऐसे है और ये ऐसे, चेंज कर दिया, ये देखो ऐसे किया है, ये देखो एक ही तो बात है, ये K1 है और ये K2 है, चेक करो, पॉइंट समझ में आ रहा है, देखो ये सेम है, इसमें 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 और इसमें कोई फर्क है ही नहीं, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। तो ये कैपेसिटर्स किसमें है, इन सीरीज, ये भी किसमें है, इन सीरीज, और ये भी किसमें है, इन सीरीज। तो आज के बाद अगर कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कैसे भरा जाए, ऐसे, सच दैट एरिया रिमेन्स सेम, और डी की वैल्यू d/2 d/2, तो ये दो कैपेसिटर ऑटोमेटिकली किसमें होंगे, इन सीरीज। पैरेलल में कब होता है, जब एरिया डिवाइड होता है a/2 a/2, डी नहीं डिवाइड होता, और सीरीज में कब होता है, जब डी डिवाइड हो रहा है d/2 d/2, एरिया रिमेन्स सेम। तो आप पहले c1 निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन d/2 into k1, c2 निकालेंगे, k2 into epsilon not a by d/2, क्योंकि ये सीरीज में है, तो c1 c2 by c1 plus c2 में वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक भी, ऑनलाइन क्लियर है, yes. Yes.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, बताइए सीरीज है कि पैरेलल है। एरिया डिवाइड हो गया ए बाई टू ए बाई टू, तो वर्टिकल ऐसे इसको डिवाइड कर दिया के वन एंड के टू, डी रिमेन सेम, तो पहली कैपेसिटेंस के वन इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू बाई डी, दूसरी के टू इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू बाई डी, पैरेलल है, दोनों को ऐड करके आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ कि ये क्वेश्चन में सी वन और सी टू किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। क्यों? क्योंकि एरिया ए ए और ए, या ऐसा करो इसको अलग बना लो, इसको अलग बना लो, देखो ये किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। तो सेम क्वेश्चन है, सी वन सी टू निकालो और फिर सी वन सी टू सी वन बाय प्लस सी टू, सेम क्वेश्चन है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ये कैपेसिटर एस है तो ये किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल। ये किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। एरिया ए ए ए डी बाई टू डी बाई टू सीरीज, और इसमें एरिया ए ए बाई टू ए बाई टू, और डी विल रिमेन सेम, तो ये किस में रहेगा, इन पैरेलल। ये किस में है, इन सीरीज। राइट, क्लियर है? सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है इसमें। इसमें बस एक छोटा ये फर्क है, वो ये कह रहा है कि जैसे सपोज आपको ये फर्स्ट केस है, वो कहता है कि मेरे पास दो कैपेसिटर्स के वन के टू हैं और ये सीरीज में कनेक्शन है, आपको पता है। वो कह रहा है कि अगर इसमें डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स के वन एंड के टू हैं और मैं इन दोनों मटीरियल्स की जगह एक मटीरियल लगाना चाहूँ के, तो उसका इक्विवेलेंट के क्या होगा। तो आपने क्या करना है, इन दो की जगह एक कैपेसिटर बना दिया आपने, ऑफ प्लेट एरिया ए और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज डी। ठीक, तो इसकी कैपेसिटेंस और इसकी कैपेसिटेंस निकाल ली, सी वन और सी टू निकाल दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद आपकी जो नेट वैल्यू आएगी वो कितनी आई, जो नेट वैल्यू आ रही है वो आएगी, जैसे सपोज करो ऐसे कर लेते हैं, इस सीरीज में कनेक्टेड है तो आप पहले C1 निकालो, K1 इंटू एरिया एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D बाई टू, C2 निकालो, K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय D बाई टू, C इक्विवेलेंट निकालो, क्या फॉर्मूला लगाओगे, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, तो C1 C2 में वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका आंसर K1 K2 की फॉर्म में आ जाएगा, डन। फिर आप ये जो एक कैपेसिटर बनाया इसकी कैपेसिटेंस निकालो, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये के की फॉर्म में रिजल्ट दे रहा है, ये के वन के टू की फॉर्म में रिजल्ट देगा, तो अपने आप इक्विवेलेंट डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा के इन टर्म्स ऑफ के वन एंड के टू। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को इक्वेट करके अपने आप के वन के टू में रिजल्ट आ जाएगा। सेम क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में सी वन प्लस सी टू और ये सी इक्विवेलेंट, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे, के के वन के टू में रिलेशन कैन बी कैलकुलेटेड। आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ ये तीन कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज। एरिया ए ए और ए और ए। अब ये पहला कैपेसिटर है डी बाई थ्री और डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट टू, दूसरा कैपेसिटर डी बाई थ्री डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन्फिनिटी, क्यों, कॉपर है, कॉपर मेटल है, मेटल का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इनफाइनाइट। और नेक्स्ट है के वन इज इक्वल टू वन का एक कैपेसिटर है, तो इसके अंदर आप पहले सी वन निकाल लें, सी वन इज टू इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई थ्री, सी टू इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई थ्री, वो अलग बात है कि के की वैल्यू यहाँ पर हम इनफाइनाइट पुट करने वाले हैं थोड़ी देर में, तो कैपेसिटेंस इसकी इनफाइनाइट आएगी, और सी थ्री में डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वन है, क्योंकि ये पैरेलल में है और सी टू इनफाइनाइट है, कंडक्टर की वजह से 1 बाई इन्फिनिटी का है जीरो, तो आप यहां से C1 C3 की वैल्यू को पुट करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा,
इसके अंदर ये तीन डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स हैं, मैंने क्वेश्चन पूछा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, तो आपने मुझे बताया ये दोनों इन सीरीज और जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, राइट। दो पेज छोड़ के या तीन पेज छोड़ के फिर से सेम क्वेश्चन है, बोलो ये दोनों इन सीरीज और इसके साथ इन पैरेलल, गलत। क्वेश्चन दोनों सेम है, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत है इनमें। एसएल की बुक ऊपर वाला सॉल्यूशन देती है जो आपने बोला, एसएल के अंदर आप देखोगे ना वो ऐसे ही करता है, ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल में, ये क्वेश्चन डाल दिया मेंस वालों ने, सेम क्वेश्चन डाला और सेम क्वेश्चन ये रहा, उन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया के वन के थ्री, इसको के थ्री को ब्रेक करेंगे इसके नीचे और के टू को उसके नीचे ऐसे, अब वो कहते हैं ये दोनों इन सीरीज, ये दोनों इन सीरीज और कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, ये क्या चक्कर है भाई, गलत तो वो भी नहीं लग रहा और गलत तो ये भी नहीं लग रहा, क्या ये कोई केक थोड़ी ना है कि ऐसे काट दो या ऐसे काट दो फर्क क्या पड़ता है, कुछ तो लॉजिक है, क्या लॉजिक है, ये सोल्यूशन सही क्यों है वो गलत क्यों हो रहा है, मैं बोलो तो फ्लो में देखें तो वो गलत नहीं लग रहा, हो रहा वगैरह ठीक लग रहा है, ये सोल्यूशन जो है वो इसके साथ आंसर मार्क किए गए हैं। तो इसका लॉजिक कुछ ऐसा, ये देखो ये एक प्लेट है, ये एक मेटल की प्लेट है, ये भी एक मेटल की प्लेट है, ये प्लेट थोड़ी ना है, ये तो डायलैक्ट्रिक की बाउंड्रीज हैं, डायलैक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल थोड़ी ना होता है, तो यहां पर तो मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल V1 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 है, मैं यहां भी बोल सकता हूं पोटेंशियल V2 V2 और V2 है, पर मैं ये थोड़ा बोल सकता हूं कि पोटेंशियल यहां पर V3 है V3 V3, ऐसे कैसे बोलूंगा, क्यों, क्योंकि यहां की बाउंड्री K2 K3 की है और यहां की बाउंड्री K1 K3 की है, तो एटलीस्ट यहां और यहां सेम पोटेंशियल तो नहीं होने वाला, राइट। तो हमने क्या किया, हमने इसके नीचे ये बाउंड्री बना ली ताकि एटलीस्ट ये और ये तो कॉमन है ना, ये वाली लाइन इन दोनों के साथ तो कम से कम कॉमन है, और इसके नीचे ये बाउंड्री बना ली, तो आप एक चीज ध्यान से देखें, देखो ये अलग कर लिया और ये अलग कर लिया, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये लाइन तो इन K1 K3 में कॉमन है और ये वाली लाइन K2 K3 में कॉमन है, हम ये नहीं कह सकते कि एक ही बात है, एक ही बात इसलिए नहीं क्योंकि इसकी बाउंड्री अलग है इसकी बाउंड्री अलग है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो आप ऐसा ही करें, इसको सीरीज में लें, इसको आप सीरीज में लें और कॉम्बिनेशन पैरेलल में लें। एक स्टूडेंट ने एक और आंसर दिया, वो कहता देखो इसमें एरिया भी डिवाइड हो रहा है और इसमें डिस्टेंस भी डिवाइड हो रहा है, दोनों चीजें डिवीजन में चल रही हैं, तो सीरीज पैरेलल वैसे भी नहीं सही बैठ रहा, पर चलो वो मुझे नहीं लगा जैसा भी आंसर उसने दिया, पर मेरे हिसाब से इसको अब ऐसे ही ब्रेक करना चाहिए आपको। आप कह रहे हो कि ऐसे जैसे इसको किया ऐसे इसको अलग अलग कर लो, सीरीज में कर लो, पैरेलल कर लो, प्रॉब्लम ये है कि K3 कॉमन है इनके साथ, K3 की बाउंड्री इसकी और इसके साथ कॉमन है, तो वो करने नहीं देगा क्योंकि ऊपर K1 K2 हो गया, तो वो कहता है कि ये वाला पोर्शन अलग अलग लो और ये वाला पोर्शन अलग लो, क्योंकि ये बाउंड्री K2 के साथ कॉमन है और ये वाली बाउंड्री K1 के साथ कॉमन है, तो इसको अलग अलग तरीके से करेंगे इसे, तो जब कॉमन बाउंड्री आएगी तो आपको उसको डिवाइड कर देना दोनों K1 K2 में अलग अलग, तो इस तरीके से आंसर करना पड़ेगा, राइट। तो आप उसको मत करना, इसको फॉलो करना।